डांस प्लस प्रो 16 दिसंबर से शाम 6 बजे स्टार प्लस और देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रेजेंटेड बाय कोलगेट पावर्ड बाय गार्नियर विटामिन सी सीरम एंड फिनोलेक्स केबल्स। जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। राजकुमारी नंदिनी का विवाह? पर क्या नंदिनी विवाह करेगी? अरे क्यों नहीं करेगी, हर लड़के को विवाह करना ही होता है। हम भी तो अपना मायका छोड़ के आए हैं, उसे भी जाना ही होगा। आज नहीं तो कल विवाह करना ही होगा उसे भी। कौन है वहां? लगता है नंदिनी ने सारी बातें सुन ली। नंदिनी रुको, विवाह की तो बात की थी, भाग क्यों गई? सुनो, राज नंदिनी राजमहल से भाग गई, कोई ढूंढो उन्हें। अरे ये तो राजकुमारी राजनंदिनी है। हाँ, पर ये ऐसे भाग के कहाँ जा रही हैं? गया? मैं पूछ रहा हूं, कौन भाग गया? जी वो राजनंदिनी। हम तो सिर्फ भाभी से उनके विवाह की चर्चा कर रहे थे, वही सुनकर वो वहां से। ऐसा हो नहीं सकता है, मेरी बेटी भाग नहीं सकती है। हम सच कह रहे हैं ससुर श्री, हमने तो ये भी सुना है कि राजनंदिनी ने कुएं में कूद के अपने प्राण त्याग। चुप! जानती हो तुम क्या कह जा रही हो? कुछ पता भी है तुम्हें? मेरी बेटी ये सब कुछ नहीं कर सकती, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके बिना ढूंढो उसे। नंदिनी, पिताश्री ये सच है कि हम कुएं में कूदे थे, किंतु अपनी जान देने के लिए नहीं, किसी की जान बचाने के लिए। एक बकरी के बच्चे का। हमारी गलती नहीं है ससुर श्री, वो तो वो मूर्ख सैनिक ने हमें ये सूचना दी थी। नंदिनी, एक बकरी के बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें अपने प्राण संकट में करवाए बेटा। पिताश्री आवश्यक था, कोई उसे बचाने के लिए आगे ही नहीं आ रहा था। पर नंदिनी, इतनी दूर से महल में तुम्हें एक बकरी के बच्चे का स्वर कैसे सुनाई दिया? तुम महल से बाहर निकली क्यों? इसके लिए। महल में इमली नहीं थी ना, इसीलिए बाहर गई। आपको इमलियां पसंद है ना पिताश्री? तुम मेरे लिए इमली लेके आए? देखा सब, मैं राजमहल से गई मेरे लिए इमली लाने।
ऐसी है मेरी पुत्री। तो नंदनी, इसके लिए तुमने किस दासी को भेज दिया था? तुम राजकुमारी हो बेटा। ये इमली हमारे पिता महाराज को पसंद है। अब जो चीज पिताजी को पसंद है वो तो पुत्री लाएगी ना, राजकुमारी नहीं। इमली तो मिल गई पर अपनी दशा देखिए। चलो जल्दी जाके वस्त्र बदल लो। तुम्हें पता है मुझे लगा तुम अपने विवाह की बात सुनकर वहां से भागी। विवाह और मैं, वो कभी नहीं होने वाला है। क्यों क्यों नहीं करोगी तुम विवाह? क्योंकि मैं अपने पिता महाराज को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आहा, तो क्या पूरी जिंदगी कुंवारी रहोगी? हर लड़की को पराए घर जाना ही होता है। देखना विवाह तो तुम्हारा भी होगा। फिर तो मेरा विवाह एक ही सूरत में हो सकता है कि मुझे किसी ऐसे वीर से प्रेम हो जाए, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसे मैं हमारे पिता महाराज से भी अधिक प्रेम करने लगूं। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे विवाह नहीं होगा। पर अगर कभी मैं विवाह करता भी तो उसका निर्णय यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से नहीं। विवाह का निर्णय यहाँ से लिया जाता है और यहाँ केवल हमारे पिता महाराज है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।